शनिवार देर रात माफिया अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए कॉलोनी अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। मौत से पहले अतीक का यह आखिरी वीडियो देखिए जिसमें उससे मीडिया के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बेटे असद के अंतिम संस्कार में आपको नहीं ले जाया गया। उस पर अतीक कहता है नहीं ले गए तो नहीं ले गए। तभी अशरफ ने कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। अशरफ इतना कहता है कि ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली लगते ही अतीक वहीं गिर गया। अगले 10 सेकंड में अशरफ भी भाई अतीक के पास गिर जाता है। ये पूरा मामला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगी। पूरा माजरा वीडियो में कैद हो गया। अतीक की मौत से पहले घटनास्थल पर क्या हुआ चलिए आपको बताते हैं। रात के 10:29 अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस कॉलोनी अस्पताल पहुंची। दोनों भाई पुलिस की गाड़ी से नीचे उतरे। दोनों के हाथ एक ही हथकड़ी से बंधे थे। पुलिस ने दोनों को घेर रखा था। अतीक और अशरफ चलना शुरू करते हैं तो मीडिया वहां पहुंच जाती है और सवाल पूछना शुरू करती है। रात 10:30 दोनों भाई चुप थे। मीडिया ने असद के जनाजे को लेकर सवाल पूछा तो अतीक ने जवाब दिया कि नहीं ले गए तो नहीं गए। इतना कहकर वो चुप हो गया। रात 10:35 अशरफ ने कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। तभी एक हमलावर ने अतीक को कनपट्टी पर गोली मार दी। अतीक को गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई। इसके बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद हमलावरों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस के जवानों ने हमलावरों को पकड़ा। पुलिस जब तक अतीक और अशरफ को अस्पताल लेकर जाती तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और छानबीन में जुट गए।